राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार में पूरा दमखम लगा रहे हैं। वहीं चुनाव को लेकर आम जन भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। डीसीएन लाइव की टीम ने जब बाड़मेर के मतदाताओं से बात की तो उन्होंने अपनी अपनी बात रखकर प्रत्याशियों से जवाब मांगा। कई मतदाताओं ने कांग्रेस पर भरोसा जताया तो कईयों ने भाजपा पर इस बार भरोसा जताने की बात कही। वहीं कई मतदाताओं ने विकास के मुद्दों को लेकर अपनी राय साझा की। कांग्रेस की एक अच्छी योजना जो मरीजों के लिए 25 लाख तक इलाज मुफ्त है, उसको देख के कांग्रेस को वोट करेंगे। क्या माहौल लगता है बाड़मेर का, कि अपन बाड़मेर विधानसभा की बात करें तो क्या लगता है कि ऐसे क्या काम रह गए जिनका पूरा होना अभी भी जरूरी है? अब ऐसा तो कुछ नहीं लगता है, जो काम रह गए करीब करीब सब काम हो गए, हर काम होने में टाइम लगता है। तो बाड़मेर में इतने ऐसे क्या क्या काम हुए जिसकी आप प्रशंसा करते हैं कि वास्तव में काम अच्छे हुए? 3 पुलिये बने, सबसे बड़ा काम, और पानी के लिए बहुत व्यवस्था की है। हॉस्पिटल 200 करोड़ का एक हॉस्पिटल बन रहा है, बहुत बढ़िया। मेडिकल कॉलेज वगैरह सब जितनी कॉलेज आनी है सब कॉलेज आई है। इसमें देखा जाए तो हमारे जो अभी प्रेजेंट विधायक साहब है मेवाराम जी और उनकी और प्रियंका जी चौधरी के बीच में अच्छी खासी टक्कर और भिड़ंत दिखी जा रही है, क्योंकि टिकटों का समीकरण थोड़ा इनका उल्टा बीच हो गया, तो उस हिसाब से प्रियंका जी का और मेवाराम जी दोनों का पलड़ा एक तरफ बढ़िया भारी है। तो बाड़मेर के अंदर आप किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? मूलभूत सेवाएं जो है, जैसे हॉस्पिटल के अंदर अगर आपको कोई तकलीफ होती जाते हैं तो सुबह दो दो तीन तीन घंटे वेट करना पड़ता है, डॉक्टर्स वगैरह टाइम पर नहीं आ रहे हैं, काफ़ी सारी समस्या होती है। और कहीं देखा जाए तो सड़कें काफ़ी हद तक टूटी हुई है, नालियों के पानी गंदे पानी घरों की तरफ आ जाते हैं। पर देखा जाए तो हमारे प्रेजेंट जो विधायक साहब हैं मेवाराम जी, उनका कार्यकाल अच्छा रहा है, 15 साल से हम उनको रेगुलर रिपीट करवा रहे हैं, पर थोड़ा सा इस बार चाहते हैं कि वो भी थोड़ा समझें और अपने कार्यकाल में अच्छा सहयोग दें और बाड़मेर स्थिति का विकास हम भी चाहते हैं कि उन्नति और भी ज़्यादा हो। हम सबसे पहले बाड़मेर के डेवलपमेंट को लेकर, जो डेवलपमेंट तथा जो अभी ये जो बाहर के एरिया है, मतलब ये जो नेशनल हाईवे से पूर्व की साइड में ये जो एरिया है, बलदेव नगर, रामनगर, राजीव नगर वगैरह, इनको नगर पालिका में ले लिया गया है, पर इनका डेवलपमेंट और दूसरा सड़कें, ब्रिज वगैरह सारे डेवलपमेंट, विकास को वोट देंगे और किसी को नहीं। आपको क्या लगता है इन मोहल्लों के अंदर क्या हालात है? इन मोहल्लों के अंदर अभी बद से बदतर हालात है। बारिश के अंदर तो ऐसी कंडीशन हो जाती है, लोगों को छतों के ऊपर चढ़ चढ़ के रहना पड़ता है और मतलब चलने लायक होते नहीं है, कमर से ऊपर तक पानी होता है। प्रियंका चौधरी, ऑफकोर्स प्रियंका चौधरी और मेवाराम जी की टक्कर है, दोनों की टक्कर है। भाजपा को इस टक्कर में आप बाड़मेर में नहीं मानते? थोड़ी सी भाजपा इसमें पिछड़ गई है। सर, हमारे मुद्दे तो शिक्षा स्वास्थ्य और हॉस्पिटल के क्षेत्र में जो भी काम हुए हैं बाड़मेर में, वो बहुत ही बढ़िया हुए हैं, तो उनको लेके ही हमारा वोट रहेगा। तो अब तक आपको जो लगा है कि जो काम हुए बाड़मेर में वो विकास के काम अच्छे हुए? बिल्कुल सर, पूरे ही राजस्थान में बहुत अच्छे काम हुए हैं, कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, जिन्हें पब्लिक आने वाले काफ़ी समय तक याद रखेगी। अच्छा, भाजपा से बागी टिकट नहीं दिया प्रियंका चौधरी मैदान में, कितनी टक्कर मानते हैं? टक्कर तो सर सिंबल का भी फर्क पड़ता है, अगर वो बीजेपी से टिकट लाते तो हो सकता था कि टक्कर हो, पर फिलहाल जनता जागरूक हो चुकी है, उनको पता है कि सिंबल की वैल्यू क्या होती है। तो अभी बाड़मेर में आप किन की टक्कर मानते हैं? प्रियंका जी की और मेवाराम जी की टक्कर है। तो भाजपा प्रत्याशी इस दौड़ में बाहर? इस दौड़ में मुझे नहीं लगता कि दीपक जी कहीं ठहरेंगे, ये मेरा पर्सनल व्यू है।